नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेमेटिक यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है, इसके बारे में मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक दो वीडियोज ऑलरेडी है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कई फैक्ट्स हैं। ये यूनिवर्सिटी दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है। ये यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें दिव्यांग बच्चों के साथ साथ नॉर्मल बच्चे एक साथ और काफ़ी मेलजोल के साथ पढ़ते हैं, जिसमें बहुत ही सद्भावना के साथ उचित व्यवहार और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। लेकिन कई बार इस यूनिवर्सिटी से जुड़ने की वजह से कभी कभी ऐसे खबरें मिलती है जो काफ़ी बुरा लगता है, और उसके फैक्ट्स जान करके और ज़्यादा बुरा लगता है। जैसे कल ही एक ऐसा न्यूज आया उस यूनिवर्सिटी से कि हॉस्टल से एक लड़की सुसाइड कर ली, और उसके पीछे रीजंस है कि बैक लग जाने की वजह से पेपर्स में, उसमें इल्ज़ाम ये है टीचर्स के ऊपर कि उनको जानबूझ करके उनको फेल किया गया। और ऐसे जब न्यूज आते हैं, ऐसे पढ़ने वाले कितनों भी अच्छे बच्चे हों या कोई भी, बोलने के लिए आसान है कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, और हकीकत यही है कि जान देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी से जुड़ने की वजह से हमें काफ़ी कुछ पता भी है कि इसमें बहुत बार ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए जाते हैं कि बच्चों को मजबूर कर दिया जाता है उसको गलत ट्रैक पर ले जाने के लिए। तो इसमें पूरी तरीके से बच्चा भी गलत नहीं हो सकता। हाँ, इसमें बच्चे की गलती बिल्कुल है कि वो इस प्रकार की डिसीजन ना ले। लेकिन इस इतने अच्छे यूनिवर्सिटी, इतनी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी में ऐसे जब न्यूज आते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है और समाज को बहुत ही ठेस पहुँचता है। ऐसे टीचर्स पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। ऐसे मैं इस यूनिवर्सिटी से जुड़ने की वजह से, मुझे इसके बारे में कोई ब्लेम नहीं है कि ये पूर्ण रूप से गलत है, कि टीचर्स की ऐसी गलती नहीं है, ऐसा बिल्कुल होता रहा। और ये हमारे उत्तर प्रदेश में हर एक यूनिवर्सिटीज, हर एक कॉलेज की ऐसी ही बातें हैं। ऐसा ना हो, क्योंकि कल टीचर्स डे है, कल 5 सितंबर है, तो टीचर्स लोगों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ बच्चों को परेशान ना किया जाए, बच्चों को इस प्रकार से ना हर्ट किया जाए कि बच्चे कुछ गलत ट्रैक लें। और शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी काफ़ी एक रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है, जो कि आप अगर लखनऊ से बिलोंग करते हैं, लखनऊ के आसपास से हैं, तो यहाँ की सुविधाएं आपको पूरी तरीके से मिल सकती है। वहाँ स्पीच से रिलेटेड, हियरिंग से रिलेटेड, आपको प्रोस्थेटिक से रिलेटेड कई प्रकार की सुविधाएं जो बहुत ही विशेष है वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन इस प्रकार का संदेश जब समाज में जाता है कि यहाँ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, रीजन ये रहता है कि टीचर्स के द्वारा परेशान करने या जबरदस्ती जानबूझ करके बच्चे को फेल करना, तो इस प्रकार की सिचुएशन न क्रिएट हो तो ज़्यादा बेहतर है। और ये काफ़ी सुखदायी परिणाम होता है इस प्रकार के, अगर ना संदेश मिले तो हमेशा, क्योंकि हम इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। काफ़ी कुछ अच्छी बातें हैं, काफ़ी स्मृतियाँ हैं, और इस प्रकार से ना हो, ऐसा कुछ संदेश जब मिलता है अपनी यूनिवर्सिटी से जहाँ सालों साल रहे हैं और सालों साल जुड़े रहे हैं, और इस प्रकार के संदेश मिलते हैं तो बुरा लगता है। और विशेष करके डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी एक स्पेशल यूनिवर्सिटी है, जहाँ का ऐसा एक बोल है, ये हमारा रम्य प्रांगण। यहाँ कोई डिसेबल, कोई नॉर्मल व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं समझता। कोई भी दिव्यांगजन नॉर्मल व्यक्ति के साथ, नॉर्मल व्यक्ति का सहयोग, दिव्यांग व्यक्ति का सहयोग, नॉर्मल व्यक्ति, इस प्रकार का वहाँ का ऐसा कैंपस रहता है। लेकिन डिपार्टमेंट्स की कुछ ऐसी गलतियाँ होती ही हैं, झेलते हैं बच्चे, लेकिन उसका इस प्रकार का प्रभाव नहीं है। इस प्रकार का न हो तो यह अपनी विशेष यूनिवर्सिटी विशेष संदेश समाज में दे पाएगी, विशेष सुविधा भी दे पाएगी। वहाँ टीचर्स की कुछ गलतियाँ बिल्कुल है, टीचर्स इस प्रकार के बढ़ावा देते हैं, टीचर इस प्रकार की
काम करते हैं, तो इसमें टीचर्स में भी सुधार की काफ़ी गुंजाइश है।